में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? A traffic signal board indicating a school ahead is an equilateral triangle with side A. A traffic signal board indicating a school ahead is an equilateral triangle with side A. Traffic signal board की बात कर रहे हैं, ठीक है? Find the area of signal board using Hero's formula. If its perimeter is 180, what is the area of signal board? पहले में क्या लिखा हुआ, दूसरे में दोनों में डिफरेंट एरिया लिखना है। पहले में क्या लिखा हुआ, वापस पढ़ रहा हूं एक तरह से, इसमें दो आंसर, दो क्वेश्चन अलग अलग है हमारे पास। पहले में लिखा हुआ अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो क्या है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल, with side A, with side A. Find the area of signal board using Hero's formula. जब आपकी साइड A दे रखी हो इक्विलेटरल है, उस समय Hero's formula का यूज करके आपको पहले इसका एरिया। अब सेकंड टाइम क्या कह रहा है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 cm, अगर इसका पैरामीटर कितना हो 180 cm हो, उस केस में साइन बोर्ड का एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना। क्लियर, दो अलग अलग चीजें हो गई। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है कि साइन बोर्ड है वो इक्विलेटरल है, जिसकी एक साइड कितनी ए है, और हमें हीरोज का फॉर्मूला अप्लाई करके उसका एरिया निकालना। सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ इट्स 180 सेंटीमीटर इज योर पैरामीटर, अगर आपका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर होगा तो उस केस में साइन बोर्ड का एरिया क्या होगा। दोनों चीजें हमको यहां पर निकालना। क्लियर, एक बार ए साइड लेकर करना है और सेकंड टाइम 180 पैरामीटर को बेस लेके हमको करना है। क्लियर, देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, ए और ए। क्लियर, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और वो भी कैसे, यूजिंग क्लियर। हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं, नो दैट जो एरिया हमारा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आई थिंक सो इसमें कोई इश्यू है नहीं अभी तक। क्लियर, अब S मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय A इज योर वन साइड, B इज योर सेकेंड साइड एंड C इज योर थर्ड साइड। तो यहां पर A फर्स्ट साइड भी A है, B भी A है और C भी A। क्लियर, लिखा हुआ क्वेश्चन में तो क्या आ जाएगा 3A/2, दैट इज योर, इसमें कोई डाउट नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ S इन फॉर्मूला। क्लियर, जगह आ जाएगा 3a/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस b एंड 3a/2 माइनस। क्लियर? इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3a/2 तो कोई इश्यू है नहीं, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा a/2। ऐसे में लेके करना पड़ेगा, एक बता देता हूं। 3a/2 माइनस a, इसको 1 2 लिया, 2 डिवाइड बाई 2 1 टाइम्स 1 इंटू 3a, 3a 2 डिवाइड बाई 1 2 इंटू a 2a। क्या आया? a/। इसमें तो कोई इश्यू नहीं चाहिए एलसीएम में। सेकेंड में भी सेम आएगा a/2 एंड थर्ड में भी क्या आएगा। क्लियर? इनमें से तो अब देखो, अगर हम लोग बाहर निकालें 3a का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था a इंटू a डिवाइड बाय 2 इंटू a/2 इंटू a/2 और इंटू a/2। ये एक ग्रुप बन जाएगा। थ्री ए है ना, प्लस में नहीं है, ए क्यूब हो जाएगा 3a। 3 इंटू a/2 ये तो कर सकते हैं, 3 अलग कर लिया और a/2 को अलग कर लिया। ये 1 ग्रुप और ये, यानी कि a/2 यहां से भी कॉमन निकल गया और a/2 यहां से कॉमन निकल गया और बाहर इधर क्या रह गया, तो क्या आ जाएगा a² अपॉन 4 और √3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं √3a² अपॉन। इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्लियर? ये अभी आपका सिर्फ a पार्ट हुआ है। कौन सा पार्ट हुआ है ये? क्लियर? क्योंकि इन्होंने क्लियर क्या लिखा हुआ है, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस सिग्नल बोर्ड जो है और उसकी साइड कितनी है a है, तो हमने a मानकर अभी इसको सॉल्व किया। क्लियर? नोट करो। अब सेकंड वाले में क्या बोल रखा है वो ध्यान से समझना। सेकंड वाले में आप देखना, आपको पैरामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो एस क्या आ जाएगा, वी नॉट दैट इक्विलैटरल के अंदर तीनों एंगल भी क्या होंगे, है ना। पैरामीटर दे रखा है ना, तो सॉरी डिग्री नहीं है, सॉरी सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपका एस तो आ गया 90। अब अगर पैरामीटर 180 cm है, इसका मतलब क्या है, ए पैरामीटर का मतलब क्या होता है, a + b + c और एक इक्विलैटरल है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, क्लियर है, मैं मन से कुछ नहीं कर रहा। क्लियर? तो आप वही सेम फॉर्मूला पुट कर लो। एस आपका 90 90 माइनस 60 और 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 9 इंटू 10, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 एंड 3 इंटू 4। इन दोनों में से कितना हुआ, 10 इंटू 10, 9, 3 इंटू 3, फिर ये 3, फिर ये भी 3, ये तो 100 और इंटू ये कितना आया 3 इंटू 3, 900। क्लियर? कोई डाउट नहीं? डायम शॉट। तो मिस्टेक क्या है इधर देखना। 10 इंटू 3 हो रहा है ना 9 इंटू 10 3 इंटू 10 3 इंटू 10 एंड 3 इंटू 10 क्लियर। एक और कितना बच जाएगा तो ये क्या हो गया ठीक है तो क्या आएगा 900 रूट 3 cm स्क्वायर रूट 3 आंसर में 3 नहीं हो रूट 3 बाई मिस्टेक वो कोमा नहीं है एक्चुअली में वो इतना ही प्रिंट ये इतना ही प्रिंट हुआ ये हट गया सर कोमा है लेकिन बाय मिस्टेक ये वो आप सब देखो ये ऐसे होता है ये हट गया ऐसे नहीं कोमा लगा पर वो कोमा नहीं है वो 900 रूट 3 चलिए यस There is a slide in park. One of its side walls has been painted in some color with the message "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in a color. वॉल है वॉल को पेंट किया है और तीनों तरफ से क्या दे रखी है साइड्स तो अब क्या करना है एरिया निकालना सिंपल क्वेश्चन ठीक है एरिया ऑफ S पेंटेड ना ठीक है क्लियर। S A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्लियर। A कितना है आपका 15 मीटर B आपका 11 मीटर एंड C 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 2 दैट इज 16 क्लियर। 16 माइनस 15 16 माइनस 11 16 माइनस 6 माइनस 6 ये तो आ जाएगा 4 बाहर 16 का रूट 4 1 इंटू 5 इंटू 10 4 1 into 5 into 5 into 10 तो 4 और 5 भी बाहर आ जाएगा इन दोनों से बचा क्या रूट 20 रूट मीटर एरिया जो पेंटेड रोल है वही तो निकालना है आपको तो निकाल क्लियर yes. या कोई डाउट पक्का एरिया ऑफ ये जो आपकी वॉल क्लियर लिखा हुआ है वहां पे वॉल किस टाइप की है ट्राइंगल के टाइप से हीरोज का फॉर्मूला लगेगा साइड्स दे रखी है मल्टीप्लाई करके निकाल लो